तो उल्टा स्टार्ट करेंगे। तो आज के असाइनमेंट के अंदर आप चेक करो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सिर्फ मेथड डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने का टाइम इतना नहीं होगा, सिर्फ मेथड डिस्कस करते हैं। आपके पास शीट है, आप खुद ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर पहला पार्ट है, एसी जनरेटर में आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है, रोटेशन गिवन है, रोटेशन 360 रेवोल्यूशन पर मिनट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, बी भी पता है। तो क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जनरेटर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से आएगा आंसर, तो यहाँ से निकाल लेना, एन बी ओमेगा से आंसर निकालना। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइडल ट्रांसफॉर्मर है विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑपरेट्स एट 12 किलोवाट ऑन दी प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी के अंदर वोल्टेज 12,000 वोल्ट है। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द नंबर ऑफ नियर बाई हाउसेज एट 120 वोल्ट, सेकेंडरी के अंदर 120 वोल्ट है। एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउसेज सर्व्ड बाई ट्रांसफॉर्मर इज गिवन। हाउसेज का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी पावर गिवन है 60,000 वॉट्स, ये गिवन है। दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड का मतलब कहाँ, सेकेंडरी के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पावर पता है, पावर क्या होती है, ई स्क्वेयर बाय आर आंसर। कुछ करना हो तब तो कुछ करे भी आंसर, ठीक है यहाँ तक। तो ट्रांसफॉर्मर की एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2.3 किलो वोल्ट। इनपुट पावर पता है, यानी कि प्राइमरी पावर पता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसमें विद अ प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 3,000 टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी भी पता है। आउटपुट पावर डिलीवर्ड आपको सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है। करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर 5 एम्पियर प्राइमरी करंट भी पता है, और एफिशिएंसी 90% है। जिन क्वेश्चन में एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट गिवन हो उसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगेगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, या सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी पावर बाय प्राइमरी पावर इनटू 100, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें आपको आउटपुट करंट निकालना है, तो निकाल लो, आपको सारी वैल्यूज तो गिवन ही है क्वेश्चन में, तो आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा लेना। फॉर्मूला एफिशिएंसी का लगाना, सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी, ये लगा लेना बस। आपको इसमें क्या निकालना है, आउटपुट करंट, यानी कि आपको ये निकालना है, गिवन 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 और गिवन आंसर। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, इससे ऊपर क्या पूछे, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी गिवन है, सेकेंडरी गिवन है, करंट इन प्राइमरी गिवन है, सेकेंडरी में निकाल लो, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लगाएगा, ई एस बाई ई पी इज आई पी बाई आई एस, यहाँ से रेशियो निकाल के आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है, कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड ताकि एडी करंट्स को कम किया जा सके, ये ऑप्शन है, डन। अब इससे आसान और नहीं आ सकता कुछ, ठीक, चाहे 2003 का है कोई बात नहीं। एसी जनरेटर में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालनी है, अभी करवाया था, एन बी ए ओमेगा, फॉर्मूला बेस्ड, डन, ठीक। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट, इनपुट पावर पता है, फिर आपको प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स पता है, आउटपुट पावर पता है, करंट पता है, एफिशिएंसी पता है। सेम क्वेश्चन है, अभी जो एफिशिएंसी का किया था, वैल्यू चेंज कर दी, 80% एफिशिएंसी की जगह 90% कर दी। तो एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ई एस ई पी बाय आई एस आई पी, आई एस इंटू ई एस बाय ई पी इंटू आई पी। तो यहाँ से आउटपुट करंट निकालना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिंपल क्वेश्चन है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से जो हमने क्लास में ट्रांसफार्मर किया था उसके अंदर जो हमने एसएल उड़ा की जो प्रॉब्लम सॉल्व अनसॉल्व की थी, बिलीव में आप वो भी कर जाओगे ना, आपका क्वेश्चन तब भी ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए हुए हैं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरे को इसमें इतना पता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है,
ट्रांसफॉर्मर का फर्स्ट ऑप्शन है, तो ट्रांसफॉर्मर का फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आंसर या तो बी है या डी है। और मैं बता देता हूँ, हमने एक और टॉपिक करना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो हम करेंगे इसे आने वाले टाइम में। तो कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ये रहा ए का टू, ए का टू, डी ऑप्शन, डन, कुछ भी नहीं करना। तो मैच दी फॉलोइंग है, डन, कुछ नहीं है, फोटो बना दी ट्रांसफॉर्मर की। ये आपके पास प्राइमरी वोल्टेज कर दिया, ये आपके पास सेकेंडरी पावर कर दी, ये आपके पास सेकेंडरी करंट कर दिया। और आपको क्या निकालना है, आपको इसमें वैल्यू बतानी है कि ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है। तो तुम यहाँ पर वी निकाल लो। पावर क्या होता है, 60 इज इक्वल टू 0.11 इनटू वी, यहाँ से वी एस निकाल लेना। वी एस 500 कुछ आ रहा है, 500 समथिंग आ रहा है, 220 से 500 कुछ आना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अगर वोल्टेज 220 से कम आ गई तो स्टेप डाउन है, और अगर ऊपर आ गई तो स्टेप अप है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट है, प्रिंटर के पास, तो देखो ट्रांसफॉर्मर मुझे पता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये रहा सी का फोर है, सी का आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, डन, क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं ट्रांसफॉर्मर नहीं कर रहा, थक चुका हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के इतनी प्रॉब्लम एनसीईआरटी की आ रखी है कि अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड की भी तैयारी करेंगे तो भी कम से कम ट्रांसफॉर्मर की प्रॉब्लम तो ठीक कर ही देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, ट्रांसफॉर्मर है फिर से सेम है, ट्रांसफॉर्मर है फिर से सेम है, ट्रांसफॉर्मर है फिर से सेम है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन है, एला सर्किट है, पावर आपको गिवन है, ईआरएमएस आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर फैक्टर 0.8 है। पावर फैक्टर कॉस फाइव होता है, जिसका फॉर्मूला आर बाय जेड होता है। वो ये कह रहा है एला सर्किट के साथ अगर मुझे पावर फैक्टर क्या करना है, यूनिटी वन लेके आना है, कॉस फाइव वन है, तो मुझे सी को भी मिलाना पड़ेगा। तो अब ये सेकेंड केस में क्या बन गया, एलसीआर बन गया। लेकिन जब पावर फैक्टर 1 होता है, cos phi इज r बाई जेड, और cos phi अगर 1 है तो r z के इक्वल है, और अगर r z के इक्वल है इसका मतलब रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। तो सेकंड केस में रेजोनेंस भी करवानी है। तो कह रहा है फिर n कैपेसिटेंस निकालो, और कैपेसिटेंस निकाल के n निकाल लो। दो 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 केस बनाते हैं, पहले LR सर्किट लेते हैं।
एलआर सर्किट में पावर हमें पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस फाई, मतलब ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, आई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस बाई जेड। तो ये आपके पास पावर की वैल्यू आ गई, इस पावर की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई आर एम एस पता है, कॉस फाई 0.8 पता है, पावर हमें पता है क्या आ गया, जेड आ गया। ठीक है, तो केस नंबर वन चल रहा है, आर एल सर्किट है, जेड आ गया। अब वो कह रहा है कि कॉस फाई किसके इक्वल है, आर बाई जेड, कॉस फाई की वैल्यू 0.8 गिवन है, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, जेड तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पता लग चुका है, आर पता लग चुका है। अब क्योंकि ये सर्किट कौन सा सर्किट है, एल आर सर्किट है, तो एल आर सर्किट में जो जेड होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, एक्सएल आ गया, एक्सएल की वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ पे रख लिया, एक्सएल आ गया। केस नंबर वन से आर पता लग गया और एक्सएल भी पता लग गया। केस नंबर टू में, अब ये कौन सा सर्किट है, एल सी आर सर्किट है, पावर फैक्टर वन है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, पावर फैक्टर वन है तो एक्सएल और एक्सी बराबर है, क्योंकि रेजोनेंस हो चुकी है, क्योंकि आर जेड के इक्वल है, एक्सएल और एक्सी भी आ गया, एक बार एक्स सी आ गया, वहाँ से सी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, वहाँ से एन आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि पहला पावर फैक्टर आपको आर और जेड निकालने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा पावर फैक्टर क्या कर रहा है, आपको एक्स सी और एक्सएल निकालने के काम कर रहा है, और सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, जितने क्वेश्चन एल सी आर के, 95% क्वेश्चन रेजोनेंस के हैं, पूछने का तरीका चेंज करे जाएगा, देगा रेजोनेंस पे सीरीज एल सी आर। ये सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है, पहला ए सी जनरेटर प्रॉब्लम है, दूसरा ट्रांसफॉर्मर प्रॉब्लम है, तीसरा एल सी आर प्रॉब्लम है रेजोनेंस पे, जो भी हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, ट्रांसमिटिंग स्टेशन रिलीजेज वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, आपको क्या पता है इसमें, लैम्डा। कैपेसिटर सी की वैल्यू पता है, इज यूज्ड इन अ रेजोनेंट सर्किट, सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालना है, क्या होगा, क्योंकि रेजोनेंस है तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इज वन बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, ओमेगा क्या होता है, टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। प्रॉब्लम ये है, इसमें हमें वेवलेंथ गिवन है, अगर वेवलेंथ गिवन है तो स्पीड क्या होती है, न्यू इंटू लैम्डा, और स्पीड होती क्या है, ईएम वेव की जो भी ट्रांसमिटिंग स्टेशन की इतनी होती है, तो लैम्डा आपको पता है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। एल आपको पता है क्या आ जाएगा, सी, या सी आपको पता है क्या आ जाएगा, एल आंसर। तो रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी को आपने सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से निकाल दिया। कन्फ्यूजन वो ये जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कैपेसिटेंस सी है, और यहाँ सी पुट करोगे तो खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि स्पीड ऑफ लाइट है या कैपेसिटेंस है, बट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या करना है इसमें यूज। तो ये रेजोनेंस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है, सीरीज एल सी आर है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर गिवन है, वी गिवन है, और साथ में रेजोनेंस भी गिवन है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर क्या होगा। देखो पावर होती क्या है, वैसे जो पावर होती है ई आर एम एस स्क्वायर बाय जेड होती है, पर रेजोनेंस के ऊपर जो पावर होती है वो ई आर एम एस स्क्वायर बाय क्या हो जाती है, आर हो जाती है। अब आपको वहाँ से ई आर एम एस पता है, ये रहा ई आर एम एस, आपको पावर पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई आंसर। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, रेजोनेंस के ऊपर जेड और आर बराबर है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन में साइनसॉइडल वोल्टेज पीक वैल्यू ई नॉट गिवन है, एलसीआर सर्किट गिवन है, वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, फिर से वही सेम केस है। तो यहाँ पर फिर से पावर इक्वल टू ई आर में स्क्वायर बाय जेड होता है वैसे, पर रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और क्योंकि वी नॉट गिवन है वहाँ से वी आर एम एस भी आ जाएगा, पावर निकाल लेना वहाँ से, आंसर सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, टू सर्किट्स आर शोन एज शोन द फिगर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल विल बी सेम इन बोथ द केसेस। इसमें एवरेज पावर क्या है, इसमें फर्स्ट केस में एवरेज पावर है वी आर एम स्क्वायर बाय आर बस, दूसरा एल सी आर है, एवरेज पावर क्या है वी आर एम स्क्वायर बाय सेट, दोनों में इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया सॉल्व किया, पता लगा रेजोनेंस आ गई आर इक्वल टू जेड, मतलब तरीके से रेजोनेंस तक लेके आ रहे हैं, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पता लग गया आर जेड के इक्वल तो रेजोनेंस है, तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स ही निकाल लेना, ओमेगा का आंसर है कि नहीं, कमाल की चीज़, सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर की रेजोनेंस डाल रखी है इसमें, लेकिन पूछने के तरीके बड़े ज़बरदस्त हैं, अलग अलग तरीके हैं पूछने के। ठीक, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है यार, एल सी आर है पावर एट रेजोनेंस, वी आर एम स्क्वायर बाय आर आंसर, वी आर एम स्क्वायर बाय आर आंसर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एल सी आ रहा है फिर से एक बार, ओमेगा पता है, वैल्यू ऑफ सी करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स का मतलब कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है, और फाई आपको गिवन है 45, लगा दो टेन फाई एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, अब फाई तो 45 है, अगर फाई 45 है तो यानी कि इस केस में ये 1 है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, बस यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपको क्या निकालना है, आपको इसमें सी निकालना है, ओमेगा पता है एल पता है सी निकाल देना आंसर, इस बार रेजोनेंस नहीं है, बट टेन फाइव का फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पेपर चल रहे हैं, आप देखो सही जरा 2021 से लेकर 2024 तक की गेम है ये, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे बहुत रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ये लो पी वाई क्यू कर जाओ 3 महीनों में, बस बता दिया, अगर आपने फिजिक्स के पी वाई क्यू प्लस वन प्लस टू के कर लिए दिन रात करके दिसंबर तक, आप का पेपर क्लियर है फिजिक्स का 100%, पी वाई क्यू करने के बाद मॉक टेस्ट दे दो बस बात खत्म है, पक्का क्लियर है, मतलब मेरी तरफ से फिजिक्स तो पा रहे हैं।
बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार, एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अफेक्टिव इम्पीडेंस क्या है? देखो, जब फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत हाई है, एक्स एल तो हो जाएगा बहुत हाई, और एक्स सी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो जहाँ एक्स एल है, इस ब्रांच को उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एल इतना हाई है ये करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा। इसको ब्रांच को ही हटाना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। और कैपेसिटर की एक्स सी तो है ही नहीं, तो कैपेसिटर कहेगा मोस्ट वेलकम करंट को आने दो, कोई मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आपका जो डायग्राम है इसको हटा दो, ये बन गया। देखो ना, इसकी जगह सिर्फ वन, इसका तो कोई काम ही नहीं ना, वन आ गया, इसकी जगह टू आ गया, ये टू आ गया। अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बन गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करना है आपको इसमें? नेक्स्ट, क्वेश्चन है, एसी सर्किट हैज़ एन इंडक्टर एंड रेजिस्टर। तो इंडक्टर है, रेजिस्टर है, एक्स एल पता है। वो कह रहे हैं अब मैंने कैपेसिटर भी ऐड कर दिया, तो पहला केस है आरएल सर्किट, दूसरा केस है आरसीएल सर्किट, एलसीआर सर्किट। रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद ओल्ड पावर फैक्टर क्या है? पहले पावर फैक्टर क्या है? आर बाई जेड, जेड में क्या है? सिर्फ आर और एक्स एल बस। एक्स एल की जगह पुट कर दो, थ्री आर गिवन है, नया पावर, पुराना पावर फैक्टर आ गया। नए पावर फैक्टर में तीनों चीज़ें लेनी है, एक्स एल पता है, एक्स सी पता है, पावर फैक्टर आ गया, डिवाइड करके रेशियो आ गई, आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल केस है, पावर फैक्टर निकालना है आर बाई जेड से और कुछ भी नहीं करना। कोई डाउट इसमें? मेरे हिसाब से बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो अगर आपको वो बेसिक्स भी क्लियर है तो भी आपका आंसर आता है इसमें। ये मैथ वालों की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको करंट टाइम के साथ चेंज होता हुआ दिख रहा है, आपको आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस की प्रॉब्लम होती कैसे है? आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन और सॉरी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो तुम इस पूरे आई की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करोगे, होल स्क्वायर करोगे, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, इसे ओपन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे और साइन की, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैपिटल टी बाय टू पुट करोगे और साइन की जीरो करोगे। हमने किया था ऐसा, क्वेश्चन बुकलेट में किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, मैथ वाले तो कर ही लेंगे एटलीस्ट। क्या क्वेश्चन है? एल सी आर क्वेश्चन है, ई आर एम एस पता है, करंट इन फेज विद ई एम एफ, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, फाइ ज़ीरो, लेकिन एल सी आर भी प्रेजेंट है। फाइ ज़ीरो कब होता है? जो ओनली रेजिस्टर होता है, रेजोनेंस है, क्योंकि एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया तो ओनली आर बच गया। तो यानी कि कंडीशन क्या है? रेजोनेंस है। और अगर रेजोनेंस है तो फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रिक्वेंसी क्या है? वन बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, आंसर
मैंने बोला आपको रेजोनेंस पे क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट कितने लोगों ने की हुई असाइनमेंट, मतलब एसी के क्वेश्चन किए हुए हैं कि सारे किए हुए हैं? ये नहीं किए, आगे से शुरू किए हैं। अच्छा, मैंने पीछे से किए हैं, ठीक है बात बन जाएगी। चलो कुछ तो फ़ायदा होगा, अभी मैं आगे से भी करूँगा शुरू, कुछ पीछे से कुछ आगे से, बाकी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन है आपको, देखो ना 220 पता है, वी आर पता है, फाइव पता है, और कुछ ना पता है इसमें आपको, कुछ भी नहीं पता। एल निकाल लें ऊपर से, क्या खास है इसमें गिवन? ये गिवन है वी एल और वी सी ट्वाइस दैट ऑफ वी आर, ये छुपी हुई बात है इसमें, ट्वाइस छुप वर्ड्स में लिख दिया जानबूझ के, ठीक है। तो देखो अब ये बात बनेगी कैसे, देखो आपको वी एल वी सी ट्वाइस वी आर गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये ट्वाइस है तो वी एल इज इक्वल टू वी सी है, रेजोनेंस है। सही है ना, वी एल वी सी के इक्वल कर दिया तो रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो वी आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मान लो इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसमें आई इंटू फाइव वी आर की वैल्यू है, तो वी आर की वैल्यू फाइव इंटू आई। अब देखो कितना सही है क्वेश्चन, ये वी एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, यहाँ देखो वी एल की वैल्यू आ गई 10 इंटू आई, तो आई के साथ ये क्या होना चाहिए, एक्सेल, एक्सेल की वैल्यू 10 बार आ गई, आई इंटू एक्सेल, तो एक्सेल 10 आ गया, वहां से एल आ जाएगा आंसर, है ना? सही क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक। तो क्या क्वेश्चन है, टेलीग्राफ लाइन है किलोमीटर में गिवन है, 1 किलोमीटर की इतनी कैपेसिटी है, 100 किलोमीटर की टोटल सी निकाल देना, फिर आपको क्या गिवन है, करंट पता है, और क्या ऑल्टरनेटिव करंट है 0.5 किलो साइकिल पर सेकेंड, मतलब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, रादर फ्रीक्वेंसी, साइकिल पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट सेकेंड की तरह। एफ गिवन है मिनिमम इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मिनिमम का मतलब करंट, मैक्सिमम मतलब रेजोनेंस, ठीक। तो कह रहे हैं इसमें एल क्या होगा, के सी क्लोज हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता ही है, रेजोनेंस पता लगी, आंसर रेजोनेंस है, फिर तो ओमेगा एल निकाल लेना, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा 500 फ्रीक्वेंसी, एफ गिवन है 2π × f की वैल्यू क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आंसर, ठीक
ठीक है यहां तक? क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एल पता है, सी पता है, आर पता है। टाइम इन विच रेजिस्टेंस हैव अ थर्मल कैपेसिटी विल गेट हीटेड बाय, कौन गर्म हो रहा है? रेजिस्टेंस। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले आपको ये वी नॉट पता है, ओमेगा पता है, आप यहां से आई आर एम एस निकाल दो, निकला आएगा ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। ओमेगा पता है, वी नॉट पता है, तो यहाँ से वी आर एम एस या ई आर एम एस पर जेड, आई आर एम एस आ गया। फिर यहाँ पर रजिस्टर में हीट कितनी डेवलप होगी? आई आर एम एस स्क्वेयर इन टू आर। गर्म तो रजिस्टेंस होती है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। और कितने टाइम में? टी टाइम में आई स्क्वेयर आर टी हीट डेवलप हो गई इसमें। अब ये हीट से टेम्परेचर गर्म हो गया, एक डिग्री सेल्सियस में हीट कितनी डेवलप हो रही है? 2 जूल। और 16 डिग्री सेल्सियस में हीट कितनी डेवलप होगी? 2 को 16 से क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। क्या निकालना है? टाइम। तो निकाल लेना टाइम आंसर, सही। तो इसमें क्या गिवन है? लैंप गिवन है, लैंप की आपको 220 वोल्ट आरएमएस गिवन है, ई आरएमएस गिवन है, और लैंप 25 वोल्ट पे है और लैंप 5 वॉट है। यानी कि आप पी इक्वल टू वी इन टू आई से इसका आई तो निकाल ही सकते हो। वो जो आई माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? आई आरएमएस। तो पावर से आई आरएमएस आ गया। तो आपको ये बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी इसमें। एक काम करते हैं, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा ही नहीं हुआ तो फेज का चक्कर ही नहीं है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अगर ये 220 है और ये 25 वोल्ट ले गया तो ये कितने वोल्ट ले जाएगा? 220 में से 25 वोल्ट को क्या कर दिया? माइनस। वी आ गया इसमें, इसमें इसलिए कर सकते हैं जबकि ये एसी है तब भी, क्योंकि आर ओनली कनेक्टेड है। तो वी आ गया आई आर एम एस इंटू आर से आर आ गया आंसर। आंसर ओम ना लगा दो ना फिर तो। वैसे एसी में अलाउड नहीं है माइनस करना, ऐसे 220 में से 25 माइनस कर दो, ये इसलिए है क्योंकि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसलिए अलाउड है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है आंसर? आई आर एम एस ई की वैल्यू यहां से पावर से, पावर पता है और इसकी वी पता है, तो आई आ गया आपका पी इक्वल टू वी इनटू आई।
लंबा है क्योंकि इसमें जानबूझ के एल और सी पैरेलल में दिया हुआ है। तो इसमें आरएमएस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, करंट थ्रू रेजिस्टर पता है, आई की वैल्यू पता है, नहीं नहीं करंट निकालना है, सॉरी इसमें से आई आरएमएस निकालना है, क्या होगा पहले काम करना पड़ेगा, इसका जेड निकालना पड़ेगा। इसका जेड निकालने का तरीका जो मैंने आपको सिखाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, एक फॉर्मूला करवाया था बुकलेट में, आप लोगों ने लिखा भी होगा, 1/XL माइनस 1/XC का होल, इसमें R तो है नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला तब था एल सी आर इन पैरेलल, तो ये वैल्यू में R उड़ा दो, XL और XC से Z निकाल लो, Z आ गया। फिर एक बार Z आ गया आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो अब ये Z आ गया, ये 55 आ गया, आपको करंट निकालना है। फिर आप क्या करोगे, एक बार आपके पास Z आ गया तो आप एक चीज़ ये देखोगे कि जब Z आएगा तो XL और XC की जो वैल्यू आएगी इसमें वो बराबर आएगी, Z के अंदर जब आप सॉल्व करोगे ना, XL भी निकालोगे XC भी, तो रेजोनेंस आएगा उसमें से, और रेजोनेंस आएगा, और वैसे इसमें गिवन भी है रेजोनेंस आएगा, XL XC के बराबर ही है। तो मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ आप पूछो क्यों, क्योंकि आपको मैंने NCERT बुक में अपनी हैंड रिटन में लिख दो सर्किट करवाए थे, एक सीरीज LCR एट रेजोनेंस और एक पैरेलल LCR एट रेजोनेंस। फॉर्मूला रजिस्टर में चेक कर सकते हो, एक में लिखा था कि सीरीज LCR में एट रेजोनेंस करंट मैक्सिमम हो जाता है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है, और पैरेलल के अंदर इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाती है रेजोनेंस पे और करंट जीरो हो जाता है। आ गया टाइम जीरो करने का, एल और सी रेजोनेंस में है, करंट को जीरो ही कर देंगे, आंसर क्या है, जीरो, खत्म, डन। मैं भी सोच रहा सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, रेजोनेंस जब वर्ड आ गया तो मतलब सॉल्व कम करना है और दिमाग ज़्यादा लगाना है, सही है, करंट ही जीरो हो गया, रेजोनेंस पे ही ब्लॉक कर देंगे करंट को, जीरो। नेक्स्ट आसान है यार, LCR गिवन है, करंट निकालना है, IRMS निकालना है, सब कुछ तो गिवन है इसमें, ये तो बिल्कुल ही NCERT लेवल प्रॉब्लम है LCR की, IRMS निकालना है। क्या क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी फिगर नहीं है इसमें, तो केवल मैं तो भूल ही गया, मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, गलत क्वेश्चन हो नहीं सकता भाई, ये करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, कैपेसिटर और इंडक्टेंस की। जब एक चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर के साथ लगा हो तो LC ऑसिलेटर बन जाता है, एनर्जी कभी C के पास, कभी L के पास, कभी C के पास, कभी L के पास,
कह रहा है वो कैपेसिटेंस है चार्ज है 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया, इंडक्टर के साथ लगा दिया, करंट क्या होगा? लगा दो फिर एक बार एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और फिर अगली बार मैग्नेटिक है, इक्वेट करके आंसर। आधे प्रॉब्लम में तो यही करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनर्जी को इक्वेट करके आंसर। ठीक है यहाँ तक? हाफ सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से आया जाएगा, सी पता है, वी पता है, एनर्जी आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसीज एट विच द करंट एम्पलीट्यूड इन एलसीआर सीरीज सर्किट बिकम्स 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यूज आर गिवन। अगर आपको याद हो कि एलसीआर सर्किट के अंदर हमने ना ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी का करंट का कर्व ड्रॉ किया था, ऐसा था, और इसमें दो फ्रीक्वेंसीज आती थी ω1 एंड ω2, जब करंट क्या हो जाता था I0/√2 IRMS, और इनके डिफरेंस को क्या बोलते थे? बैंड विड्थ। वही तो वो कह रहा है, मेरे से ω1 ले लो, मेरे से ω2 ले लो, दोनों को माइनस करके बैंड विड्थ निकाल लो। तो ω2 - ω1 बैंड विड्थ है, और बैंड विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था? R/L, R ले लो, L दे दो, L निकाल लो आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? डेल्टा ओमेगा इक्वल टू R/L से L कैसे निकलेगा? बिल्कुल बेसिक टच कर रहा है, मेरी बात मानो, NCERT करवाई थी वो सारी थोरो। और देखो बैंडविड्थ के कई तरीके से हमने वो क्यू फैक्टर ये वो निकाला था, देखो काम आ रहा है वो सारे का सारा। ठीक है, करवाने को तो ऊपर ऊपर से भी हो सकता था, होता नहीं ना, लेकिन ये लो फंस जाते फिर यहाँ पर, अगर वो प्रॉपर बुक किताब ना लिखी हो ना, वो गड़बड़ है फिर उसमें। किया था अभी अफेक्टिव करंट आई एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे, एक्सेल बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सेल वाले पूरे रास्ते को काट दो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बस ये तो चलो लगाओ ना लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, क्या करना है इसको लगा के, चाहिए ही नहीं है तो चाहिए ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका डायग्राम ऐसा बन गया बस, और उसके अंदर भी जहाँ इंडक्टर था देखो ब्रेक कर दिया उसने, इंडक्टर को ब्रेक कर दिया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना और फिर यहाँ से करंट आ गया, तो ये नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बन गई, करंट निकालना है आपको टोटल।
तो फिर से देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हाई फ्रिक्वेंसी वाला, और अगर फ्रिक्वेंसी बहुत लो है तो एक्स एल उड़ा देना, एक्स एल को मतलब वो करंट को पास होने देगा, एक्स सी उड़ा देना, उल्टा हो जाएगा उसमें, आसान है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन है। ये लो तो क्वेश्चन है, एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ 75 मिली हेनरी इंडक्टर और एक कैपेसिटर भी गिवन है, इफ द मैक्सिमम चार्ज गिवन है तो मैक्सिमम, देखो कभी भी एल और सी का कॉम्बिनेशन दिख जाए गारंटेड एलसी ऑसिलेटर है, और एनर्जी एक बार सी के पास एक बार एनर्जी एल के पास, बस फर्क यह इस बार सी के पास हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगाना, क्योंकि क्यू आपको गिवन है और करंट निकालना है, नहीं तो हाफ सी वी स्क्वायर लगता है, इसमें हाफ क्यूज कर वैसे ही लगेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, बाकी सही है। पावर फैक्टर निकालना है, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, पावर डिसिपेशन की वैल्यू निकालनी है इसमें, इज आर एम एस स्क्वायर बाय जेड, इजी, बिल्कुल इजी, बहुत ही एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये सेम क्वेश्चन अभी जो नॉन मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए आएगा नहीं शायद, ये फंक्शन है करंट का, IRMS निकालना है, वही अंडर रूट ऑफ IRMS विद DT बाय अंडर रूट T, तो इसके इंटीग्रेशन नॉन मेडिकल वाले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में ऐसा नहीं आएगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहे, बताओ यार, आर बाई जेड। नेक्स्ट, LC ऑसिलेटर, LC का कॉम्बिनेशन LC ऑसिलेटर है, क्वेश्चन है, इन एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू,
जब चार्ज मैक्सिमम है तो सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, चार्ज स्मॉल क्यू हो जाएगा, कभी ना कभी कम हो जाएगा। वेन एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले एनर्जी है कितनी, इतनी, थोड़ी देर बाद आधी रह गई, इसका आधा, तो नई एनर्जी कैपेसिटर पे इतनी होगी, चार्ज स्मॉल क्यू निकाल लो। इंडक्टर की जरूरत क्या है, कैपेसिटर की टोटल एनर्जी कैपिटल क्यू की फॉर्म में निकाल लो, टोटल एनर्जी इतनी है, अब मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, इसको हाफ कर दो, इज इक्वल टू नई एनर्जी, यहाँ से आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना यहाँ तक? जो डीसी करंट मेजर करता है, हमने डीसी किया है ना, हम तो डीसी के साथ काम किया है। एसी एमीटर आई आरएमएस मेजर करता है, आई आरएमएस। ये देखो, ये इस क्वेश्चन को ट्राई करो प्लीज, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
देखो इसमें तो सीरीज एलसीआर सर्किट है, आर की वैल्यू पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, एलसीआर सर्किट है बस आर पता है। ऑन टेकिंग आउट कैपेसिटेंस फ्रॉम दिस सर्किट, कैपेसिटेंस निकाल दिया, अकेला एलआर बच गया, 530 है। टेकिंग आउट इंडक्टर आरसी बच गया, फाइव पता है 30 है, पावर डिसिपेटेड क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था क्लास में, मतलब मिलता जुलता कैसे दो केस बनेंगे। पहला केस सिर्फ एल आर का बनेगा, टेन फाई एक्स एल बाई आर, ये वैल्यू आ गई। दूसरा केस एक्स सी और आर का बनेगा, एक्स सी आ गया। अब क्योंकि एक्स सी और एक्स एल बराबर आ गया तो रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस हो गई तो पावर डिसिपेटेड क्या है, पी वी आर एम एस स्क्वायर बाय, वैसे तो जेड होता है पर यहाँ पर आर पुट कर देना एक ही बात है क्योंकि रेजोनेंस है, तो वी आर एम एस स्क्वायर बाय आर कॉस फाइव, कॉस फाइव भी क्या, फाइव तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस हो गई, तो सिंपल ई आर एम एस स्क्वायर बाय जेड आर इज द आंसर, क्लोज। समझ में आ रहा है यहाँ तक, जब रेजोनेंस ही हो गई फिर तो पावर का फॉर्मूला ही ई आर एम एस स्क्वायर बाय आर है, बात खत्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो रेजोनेंस के कई तरीके हैं पूछने के और सारे तरीके इसने बता दिए, सही तरीके से पूछे जा रहा है, वैसे पता ही नहीं लग रहा क्वेश्चन करते हुए, बीच में पता लगता है रेजोनेंस हो गई। पर मैंने की नोट की सीरीज एलसीआर के अंदर 95% क्वेश्चन में रेजोनेंस होती होती है, मतलब अगर तुक्का भी किसी ने मारना हो ना पढ़ के जाए यार, ओमेगा वन बाय रूट एलसी तो मार ही सकता है, पक्की बात है, ज़्यादातर एलसीआर में इतना तो बनता ही है ना, लग रहा है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये तो बात भाई है। देखो मैं ये प्रमोट नहीं करना चाह रहा बट जब फंस ही गए तो क्या कर सकते हो यार, अब मतलब रेजोनेंस कहीं ना कहीं से बाहर आ ही रही है। फुली चार्ज कैपेसिटर सी, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है, इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, फिर से एल सी ऑसिलेटर बन गया, एनर्जी करेंगे शेयर, टाइम एट विच एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कितने टाइम पे जब एनर्जी इक्वल हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, एनर्जी कैपेसिटर की ये रही और टोटल एनर्जी इतनी थी, अब कैपेसिटर की एनर्जी टोटल एनर्जी का आधा, क्योंकि शेयरिंग आधी होनी चाहिए, चार्ज की वैल्यू आ गई। चार्ज याद करो एलसी ऑसिलेशन मैंने करवाया था, चार्ज कॉस फंक्शन से चेंज होता है, तो चार्ज की जगह क्यू नॉट बाई रूट टू निकाल लेना, पाई बाय फोर आ जाएगा, फाई अगर पाई बाय फोर आ गया, ओमेगा टी यानी कि पाई बाय फोर आ गया, यहाँ से स्मॉल टी निकाल लेना आंसर, सही है ये भी क्वेश्चन। अब जिसने एलसी ऑसिलेटर की डेरिवेशन कर रखी है उसी को पता है ये क्यू कॉस है, तो बाकी को नहीं पता ये कॉस है। तो पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब जैसे ये तो कमाल का ही क्वेश्चन है, देखो देखो क्वेश्चन है, इंडक्टर है, एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तुमने क्या किया इस रॉड को ना वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, चल जा बात करो, फ्रिक्शन है नहीं। अब हुआ क्या, जब तुमने रॉड को वी नॉट के साथ छोड़ा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये बताओ रॉड की, ये क्वेश्चन है। एक तरीका है लंबा मैथमेटिकल, वो कहता है देखो किरचॉफ लॉ लगा दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड में डेवलप होगी, इंडक्टर में माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये टर्म आएगी, ईएमएफ बीएलवी है, एक्सलरेशन जनरेट होगी फोर्स अपॉन मास, रादर रिटार्डेशन होगी, माइनस डी वी बाई डी टी, फोर्स की जगह बी आई एल, सॉल्व किया वेलोसिटी यहाँ से पुट की, ये रहा सॉल्व करके एस एच एम प्रूव कर दिया कि रॉड एस एच एम में मूव करेगी। मैं कहता हूँ इसको देखने की भी जरूरत नहीं, ये लो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ एक सेकंड में एस एच एम में, देखो कैसे। आप इमेजिन करो आप इंडक्टर हैं,
रॉड उधर जा रही है तो ईएमएफ जनरेट करेगी, करंट जनरेट, और वो करंट किस में भेजेगी, इंडक्टर में। जब इंडक्टर को ये पता लगा कि रॉड दूर जा रही है, वो कह रहे दूर कैसे जा रही है, पास बुलाओ, मेरा फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, तो वो करंट ऐसे घुमाएगा कि उसको पास ले आएगा। जब पास आएगी रॉड कहेगी ले ऐसे कैसे पास आ गई, दूर भेजो इसे। अब रॉड बेचारी कन्फ्यूज है क्योंकि इंडक्टर करंट चेंज करे जा रहा है और रॉड खड़ी खड़ी ऐसे घूम रही है, पीरियोडिक मोशन एस एच एम हो गई। तो ये ना ग्राफ एस एच एम का साइन फंक्शन है और बन नहीं सकता, डी आंसर ये ज़्यादा बेटर है, आंसर ये ज़्यादा बेटर बनेगा। तो इंडक्टर जहाँ लगा होगा रॉड को पीरियोडिकली मूव करवाएगा। तो तुम मैथ के चक्कर में मत पड़ना, फिर भी सोल्यूशन देखना है कभी देख जाना, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ऐसे ठीक है। ईजी है, सब बेसिक है, ये लो। तो क्वेश्चन है, एलसीआर सर्किट है, तो इसमें वो कह रहा है कि करंट इज ऑब्जर्व टू लीड द अप्लाइड वोल्टेज, करंट आगे है वोल्टेज पीछे है। तो मैंने एक एडिशनल कैपेसिटर सी के साथ लगा दिया सी डैश टू मेक द पावर फैक्टर यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी क्या होता है, कॉस फाई वन, कॉस फाई क्या होता है, आर बाय जेड, तो आर इज इक्वल टू जेड, रेजोनेंस हो गई। तो कैपेसिटर लगने से रेजोनेंस हो गई। कह रहा है ये कैपेसिटर सी डैश में पैरल में लगाऊं या सीरीज में लगाऊं, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब मैंने रेजोनेंस वर्ड बोल दिया तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, मान लो मैंने इसको पैरल में लगा दिया, हिट एंड ट्रायल है, पैरल से आंसर आ रहा है, पैरल में लगा दिया तो एक्सएल इज इक्वल टू वन बाय सी ओमेगा। अब सी क्योंकि पैरल में है तो सी प्लस सी डैश निकाल लो आंसर सॉल्व करके। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये आरएलसी सर्किट है और ये सीरीज में है। कह रहे इसके अंदर बेसिकली एल और सी पैरेलल है, ये एलसी ऑसिलेटरी है, तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा फिर इंडक्टर के ऊपर जाएगा। वो किसी इंस्टेंट, कह रहे स्टूडेंट एक ग्राफ प्लॉट करता है मैक्सिमम चार्ज क्यू मैक्स ऑन द कैपेसिटर पे टाइम के साथ, चारों में से कौन सा सही ग्राफ है, कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होगी, और ये गिवन है एल वन ग्रेटर देन एल टू, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना इंडक्टेंस इज इनर्शिया ऑफ अ सर्किट। अब इनर्शिया कहाँ से आ गया, देखो इसलिए इंडक्टेंस अपोजिस फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मास अगर भारी है फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो अगर इंडक्टेंस भारी है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एल बढ़े एक्सएल बढ़े, एक्सएल बढ़े तो उसमें चार्ज जा नहीं पाएगा जल्दी जल्दी, राइट। तो ये इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ये सी आंसर है इसका। रीजन आप देखो, एक पॉइंट के ऊपर आपने टाइम लिया जिसमें क्यू वन स्क्वायर है, ये क्यू टू स्क्वायर है, खैर ये लंबे तरीके से कर रहा है, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ कि डी क्यू बाई डी टी स्लोप देती है, स्लोप देती है चार्ज की डी क्यू बाई डी टी। तो किसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप ज़्यादा है,
जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ज़्यादा है, और जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ज़्यादा है उसकी इंडक्टेंस कम है, एल कम है उसका, तभी तो रेट ज़्यादा पड़ रहा है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एल वन ग्रेटर देन एल टू है तो इसका रेट कम है, इसका रेट ज़्यादा है। आंसर डन, इसका आंसर यही बनेगा सी। और कोई? और हाँ, क्योंकि ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियल है। ये रही सीरीज एल आर सर्किट है, वोल्टेज मैंने साइनोसाइड अप्लाई कर दी, लार्ज टाइम, बहुत लार्ज टाइम पे इंडक्टर का कोई काम ही नहीं है, अकेला रेजिस्टर है, अकेले रेजिस्टर में करंट क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रहा ग्राफ साइनोसाइडल, वैसे भी साइन फंक्शन या कॉस में आना है ही नहीं, साइन कॉस और यही है। क्लियर है यहाँ तक? डी आंसर क्यों है इसका? ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें एलसीआर के ऊपर को, ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। 99% मेडिकल नॉन मेडिकल में आने की प्रोबेबिलिटी यही है, लेकिन नॉन मेडिकल वालों को एक प्रॉब्लम है, उनको एक्सपोनेंट और लॉग और बैटरी का स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आई भी हैं, पहले बहुत आते थे अभी नहीं आ रहे, पर 2023 में और 22 में देखे गए हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब असाइनमेंट के स्टार्टिंग पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन से अब उल्टा चलेंगे। तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ और मेडिकल में और नॉन मेडिकल में कौन से कॉमन है कौन से नहीं कॉमन बताता रहूँगा। तो मेडिकल वाले जिसके सॉल्यूशंस एक्सपोनेंट देखने में ऐसे, वो ना करें, मेडिकल वाले चाहे ना करें, सुन लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंट से लॉग निकालना होगा, उन्हें आता नहीं और पेपर में भी नहीं आता, उनको तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे आज हमने किए थे। चलो फिर भी ये एक आर सर्किट है, ये एल सी आर सर्किट है। अब वो कह रहे हैं कि रेजोनेंस के ऊपर क्या होगा, करंट किसमें ज़्यादा किसमें कम होगा, ये आपको बताना है, तो निकालना पड़ेगा भाई। पहले फर्स्ट सर्किट ले लो, इसमें आरएमएस निकाल दो 220/40, और सेकंड के अंदर क्या करो, सेकंड के अंदर पहले जेड निकाल लो, फिर आई आरएमएस निकालो, फिर कंपेयर कर लो किसका करंट बड़ा और किसका करंट छोटा, और कोई तरीका ही नहीं है, और इसमें रेजोनेंस भी नहीं है, जेड निकालना पड़ेगा। सही है, सिंपल क्वेश्चन, करंट बताना है इसमें। ये नॉन मेडिकल वालों का है, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ करने, अब बैटरी ध्यान से, अब डीसी है एसी नहीं है, अब ये करंट बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली टाइम इलैप्स्ड बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होती है, आई नॉट, और करंट कितना हो जाए, आई नॉट बाई टू। तो कितने समय में करंट आई नॉट बाई टू है, जब एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट में करंट ऐसे इंक्रीज होता है, किया था करंट की जगह आई नॉट बाई टू, अपना मैथ्स लगा लेना और टाइम निकाल लेना आंसर, भाई मैथ्स वालों के लिए मेडिकल नहीं, तो एक्सपोनेंट सॉल्व करके आंसर निकलेगा। और सेकंड पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 15 मिली सेकेंड के बाद। अब एनर्जी होती क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर होती है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पहले करंट निकालना पड़ेगा 15 मिली सेकेंड के ऊपर, तुम एक काम करो, करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, टाइम कॉन्स्टेंट एल बाई आर है, मैक्सिमम करंट कितना है, वी बाई आर है, क्योंकि इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा, तुम टाइम को 15 मिली सेकेंड पुट करके पहले आई निकालो, फिर उस आई को यहाँ पुट करके एनर्जी निकालो। अब वो मैथ कैसे करो वो तुम जानो, मेडिकल वाले आराम करें। सही है, मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ। ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमन है, इसके अंदर वो कह रहा है की को मैंने जब क्लोज किया, ये की क्लोज कर दी तो एंड स्टेडी स्टेट पहुँच गई, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हटाना नहीं है, कुछ नहीं कहता है, वो कहता है मेरे अंदर से करंट पास होने दो, मेरा एक्सेस जीरो, कुछ नहीं है। तो यानी कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, मैक्सिमम करंट आ जाएगा, करंट चेंज होना बंद हो जाएगा, इंडक्टर का रूल खत्म हो जाएगा, तो आपका सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, और आपको टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट निकाल लेना आंसर। तो स्टेडी स्टेट पे एक्सेल का कोई काम नहीं है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जब सोलिनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड एल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी।
तो आर और एल दोनों कनेक्टेड हैं, 25% करंट कब होगा, या जब आर और एल फिर कनेक्टेड हैं तो करंट कैसे बढ़ेगा, करंट ऐसे बढ़ेगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो 25% हो जाए मैक्सिमम के। मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, इतनी है आई नॉट जो करंट है, तो मैक्सिमम एनर्जी है, इसका 25% कर दो यानी कि 1/4 कर दो, तो नई एनर्जी आ जाएगी, सॉल्व करके करंट आ जाएगा। तो यानी कि करंट जब उस टाइम पे क्या होगा, आई नॉट बाई टू। तो तुम इसके अंदर आई की जगह आई नॉट बाई टू पुट करना और टाइम निकालना। नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल का नहीं है, फिर से समझ में आ रहा है नॉन मेडिकल वालों को क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों का है। इसमें ये डायग्राम गिवन है, वो कह रहा है कि इसके अंदर स्विच को आपने बंद कर दिया, तो क्या क्वेश्चन है कि करंट जब आपने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही क्लोज किया इंडक्टर क्या कहता है, मेरे अंदर से करंट को पास होने दो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कहूँगा। तो आपका डायग्राम तो बस नहीं, एक मिनट, सॉरी उल्टा बोल दिया, जैसे ही आपने ऑन किया स्विच को, करंट बढ़ा, इज इक्वल टू जीरो, तो इंडक्टर करंट को पास नहीं होने देता। तो जहाँ जहाँ इंडक्टर है उसे हटा दो, हटा दो, नहीं चाहिए, हटा दो। तो आपका डायग्राम बस इतना बन गया। तो जब आपने स्विच को क्लोज किया था, यहाँ स्विच लगा हुआ है, क्लोज किया, तो आपका डायग्राम बस इतना बन गया। अब ये नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आई निकाल लो आंसर। समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, हाँ दोनों के लिए सही है। इसके अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पता है 100 है, कॉम्पोनेंट्स कनेक्टेड एज शोन, फाइंड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल निकालना है और कैपेसिटेंस सी निकालनी है, क्या होगी। और बस ये डायग्राम है, देखो इसने स्विच को बंद नहीं किया, इसको हटा दो, चाहिए नहीं है, चाहिए नहीं है। तो तुम पहले यहाँ से ओम लॉ लगा के करंट निकालो आई आर एम एस, क्योंकि इसने इसको दबाया नहीं, तो आई आर एम एस की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। आई आर एम एस पता है, वी पता है, तो क्या जाएगा एक्स एल, एक्स एल से क्या जाएगा एल, फिर आई आर एम एस इसमें गया, आई आर एम एस से क्या जाएगा एक्स सी, एक्स सी के से क्या जाएगा सी, आंसर 1/c ओमेगा से सी। मतलब सारा काम इसने करना है करंट में, ये करंट घूम के सब में जाएगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा आर डैश में, क्योंकि आर डैश में ये की को उसने प्रेस करने को बोला ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल वालों के लिए ही है। फिर से एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट में आपने बैटरी को दबा दिया टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो टाइम एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रीच इज 1/n ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, भी किया था 1/4 वाला, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, एनर्जी जब यू है तो करंट आई है, यू नॉट है तो मैक्सिमम आई नॉट है, तो एनर्जी कितनी करनी है 1/n टाइम्स है, आई बाई आई नॉट की रेशियो आ गई। तो ये करंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई बाई आई नॉट की रेशियो पुट करके आंसर निकाल लेना। मतलब यार हर में तो करंट ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है, कुछ करना तो है ही नहीं इसमें, ठीक मेडिकल के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन मेडिकल के लिए नहीं है। ईएमएफ गिवन है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर लगा हुआ है और रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर से रेशियो ऑफ करंट बताना है टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे और टी इज इक्वल टू 40 पे। करंट कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर करंट मैक्सिमम होगा ई बाई आर बस, और टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड पे पुट करना पड़ेगा, मैथ लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, फिर रेशियो निकालनी पड़ेगी। आंसर ग्रोथ ऑफ करंट का टॉपिक है, मेडिकल के लिए नहीं करेंगे मेडिकल वाले। अगली प्रॉब्लम सिर्फ नॉन मेडिकल वालों के लिए, फिर से एक बार देखो, ये मैंने बता दिया था, मैंने तभी एंड में ये पार्ट रखा हुआ है ताकि मेडिकल वाले परेशान ना हो, चाहे तो जा भी सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल भी आपके मेडिकल में नहीं आएगा, जो चीज़ देखी तंग करेगी, जब आना ही नहीं तो देखना भी क्यों है। तो जो ऑनलाइन भी स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा काम है ही नॉन मेडिकल का, जो 5-6 क्वेश्चन का हिंट देना है, सुनने तो सुनने की प्रॉब्लम नहीं है। एलआर सर्किट है, बैटरी है, स्विच ऑन है, अब मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा, पता ही है एलआर सर्किट में स्विच ऑन है तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। क्या निकालना है, टोटल चार्ज कितना मूव कर गया जीरो से टीसी, टीसी का मतलब वन टाइम कॉन्स्टेंट में, जो कि एल बाय आर होता है, पता ही है चार्ज कैसे जाता है, आई डी टी की इंटीग्रेशन, जीरो से टाइम कॉन्स्टेंट तक करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, वैल्यू पुट करके मैथ में आपको एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन करवा रखी है मैथ के टीचरों ने, सॉल्व करके आंसर निकाल देना, आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन मेडिकल,
फिर से एल और आर है, क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो रट गए हैं, एल और आर है। टाइम ऑफ रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो टाइम बताना है जब दोनों का रेट ऑफ चेंज बराबर है। रजिस्टर में रेट ऑफ चेंज आई स्क्वायर आर है, सॉरी रजिस्टर में हीट क्या है आई स्क्वायर आर है या पावर आई स्क्वायर आर है। इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर है, पर रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जूल्स हीट इज इक्वल टू रेट। अब ध्यान से ये जूल्स हीट है और ये रेट है, तो यहाँ पे रेट का मतलब डी बाई डी टी। तो यहाँ से सॉल्व करना है आपने मैथ्स के स्टूडेंट्स ने, तो हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर में टू आई इंटू डी आई बाई डी टी पुट करना है, और ये किसके इक्वल है आई स्क्वायर आर, मतलब इक्वल टू आई स्क्वायर आर कर लो ऐसे। आई से आई क्या हो गया कैंसल, और आई की वैल्यू पुट करनी है आई नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एल बाई आर। तो मैथ लगाना, आई को यहाँ पुट करना, डिफ्रेंशिएट करना और सॉल्व करना, और फिर मुझे पता नहीं यहाँ से टाइम निकालना, सारा मैथ्स का खेल है सारा। ठीक समझ, लॉजिक समझ में आ रहा है करना क्या है। जैसे एल और आर फिर से गिवन है, रट गए एल और आर, अब वगैरह इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कोई बात नहीं बैटरी की इंटरनल भी है। टाइम टेकन फॉर करंट टू अटेन 80% ऑफ सैचुरेशन वैल्यू, सैचुरेशन वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्रोथ ऑफ करंट है, करंट कितना करना है 80% ऑफ आई नॉट, लगा लेना मैथ यहां से टाइम निकाल लेना आंसर। ठीक, फिर से एक बार एलर सर्किट है, आपने इसमें स्विच ऑन किया, चार्ज कितना पास कर गया टाइम टी इज इक्वल टू एल बाई आर, वन टाइम कॉन्स्टेंट में भी किया था आई डी टी की इंटीग्रेशन, आई की जगह पुट कर दो और आई नॉट की जगह ई बाई आर मैक्सिमम करंट, जीरो से एल बाई आर इंटीग्रेट आंसर। मैथ वालों का काम स्टार्ट। नेक्स्ट है एल आर सर्किट है, एस वन को क्लोज कर दिया पहले, पहले सिर्फ एस वन को क्लोज कर दिया, तो यहां से करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ करंट स्टार्ट हो गया। तो ग्रोथ ऑफ करंट एक्सपोनेंशियल है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैथ के लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है आंसर क्लोज। दोनों एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले स्विच इसको ऑन किया तो ग्रोथ ऑफ करंट है, फिर इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया तो डीके ऑफ करंट है, डीके ऑफ करंट भी एक्सपोनेंशियल है। वैसे अच्छा नहीं बना डायग्राम यार, ये टच कैसे कर गया, गलत है यार, ये डीके को ऐसा होना चाहिए, तो सारे ग्राफ ही गलत हैं एक्चुअल में, तो एक्सपोनेंट होना चाहिए था और ये भी एक्सपोनेंशियल होना चाहिए था और इसको टच नहीं करना चाहिए था, पर चलो इन एनी केस सही तो नहीं बनाया इसने भी। हाँ यहाँ सही बनाया है, ये सही बनाया है, देखो मैथ वालों को समझ में आ रहा है, मेडिकल में नहीं चाहिए। तो फिर से डायग्राम गिवन है, एल आर गिवन है, बैटरी गिवन है, व्हाट विल बी द करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, भाई ये मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमन है, लॉन्ग टाइम का मतलब इंडक्टर कुछ ना कहने वाला, तो इंडक्टर को चाहे ना देखो, आर आर बच गया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, निकाल लेना करंट जो निकालना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। दो कैपेसिटर्स हैं आर, अब ये आर सी सर्किट है, बैटरी लगी हुई है, अब ये एल आर नहीं है, आर सी इलेक्ट्रिसिटी में की थी, आर सी सर्किट है, आपको सी इक्वलेंट पता है, आपको क्या निकालना है, आपको बताना है टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, तुम किसी में चार्ज निकाल दो एक ही बात है, तो टोटल चार्ज इसमें बढ़ेगा, बढ़ेगा चार्ज ऐसे बढ़ता है, हमने किया था चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, बस यहाँ पर टाइम कांस्टेंट में आर इंटू सी इक्वलेंट पुट कर देना आंसर, क्योंकि दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है आंसर। तो इसमें फिर एल आर सर्किट है, मेरे ख्याल से अब नॉन मेडिकल वालों को ये ट्रैक समझ में आ रहा है। जैसे ये रहा पहला आर सी सर्किट है, दूसरा एल आर सर्किट है, तुमने दोनों के स्विच ऑन किए, कह रहे इसमें करंट और इसमें करंट कैसे बढ़ेगा, देखो इसमें तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल बी ग्राफ ये सही है, ये गलत है, ये तो गलत, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बी ग्राफ, ये नहीं आंसर आ गया यार, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ख़त्म ही होगी कहानी, नहीं दोनों में से हो सकता है, ये भी एक्सपोनेंशियली है, तो ये इन दोनों में से आंसर है नॉन मेडिकल वालों के लिए। और इसमें करंट जीरो हो जाएगा जब फुली चार्ज हो जाएगा, तो करंट गिर गया नीचे, ये नहीं गिरा, गिर गया, ये रहा ये आंसर है राइट। आई होप अब नॉन मेडिकल वाले कंटिन्यू कर लेंगे इसे, और जितना मैंने करवाना था मैंने करवा दिया, अब यही तो है एल आर आर सी करते रहेंगे आंसर आ जाएंगे।